अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। आज मैं लाई हूँ आपके पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, एक हार्डी की, और ये मैंने ली थी जी लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले जब सेंटोरस ओपन था, तो बाय चांस हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे मैंने उनका ये देखा। कभी मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन उस दिन मुझे उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ऑफ़ पे भी हैं तो ले लें, तो ये मैंने 50% ऑफ़ पे लिए हैं। जो मास्क मुझे मिले हैं फेस मास्क, ये 200 के मिले हैं आफ्टर डिस्काउंट, और ये मिस्ट जो है ये भी मुझे आफ्टर डिस्काउंट 200 की मिली है। इनके अब मुझे सही से याद नहीं है, शायद 150 का मिला है ईच मेरे ख्याल में। तो आज मैं इसमें से एक फेस पैक फेस मास्क जो है वो ट्राई करूँगी और फिर इसका फीडबैक आपको दूँगी। ये मैंने यूज़ की है मिस्ट लेवेंडर हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट, ये बहुत अच्छी है। ये मिस्ट मैंने यूज़ की हुई है और ये आपकी स्किन को फ्रेश मेरी बेटी मुझे वीडियो नहीं बनाने देती, जा बेटा आप खेलो। तो ये जो है ना, हाँ, इससे आपके स्किन पे एक फ्रेश लुक आती है, आपकी स्किन को ग्लो देता है। इसके ऊपर ये लिखा भी हुआ है, आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग करता है, कूलिंग देता है। अच्छा जी, इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि ये नेचुरल है, इसमें जो है किसी किस्म का जो है मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, सल्फेट नहीं है और पैराबेंस नहीं है इसके अंदर। और इसके बाद इसकी ये लिखी हुई है, एहतियात वगैरह भी हैं, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी है। उसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मैंने यूज़ किया, ये बहुत अच्छी है। अगर आप लोग लें ना, ऑफ के अलावा भी अगर आपको मिलती है तो ये आप ले सकते हैं। इतनी महंगी नहीं है, हमें 400 मिलेगी आपको ऑफ ना हुआ था, क्योंकि मुझे 200 की मिली थी आफ्टर ऑफ, 50% ऑफ। ये बॉटल पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, स्मेल बहुत अच्छी है इसकी। इसमें से आज मैं ये वाला ट्राई करूँगी, प्योरीफाइंग रोज एंड सेफ्रोन फेस मास्क। ये है जी ऑल टाइप स्किन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये एक्नी प्रॉन स्किन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। जिनकी स्किन पे एक्नी है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये करता है आपकी स्किन रिड्यूस करेगा स्किन टैन को और इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ मीन्स के ये आपकी जो स्किन के ऊपर गर्द गुबार आलूदगी होती है जो हमारे स्किन में रह जाती है, ये उसको अच्छे से साफ़ करता है। और ये सारी इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी हुई है कि नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन वाले इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे लेना पड़ेगा जी 2 टीस्पून योगर्ट, उसमें ये मैं पेस्ट बनाऊंगी, लगाऊंगी 10 मिनट। लिखा हुआ है कि 10 मिनट तक आप इसको फ्रिज में रखें ताकि थोड़ा ये थिक रहे, ताकि आपके फेस पर अच्छे से ये अप्लाई हो जाए। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। पहले हम मिक्सचर बनाएंगे इसका, मैं आपके सामने ही बनाती हूँ इसका मिक्सचर। और ये स्किन को ग्लो भी देता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सारा लिखा है। जब आप लेंगे ना तो इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, मैं 2 टीस्पून जो है दही लेके आ गई हूँ, अभी हम पैक खोलेंगे और इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसको खोला और इसके अंदर ये छोटा सा पैक है, ये पैक इसमें मैं ऐड करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस पैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हमें रखना है फ्रिज में, अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, फिर फेस पे अप्लाई करूँगी। हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी, ये देखिए इसमें ज़ाफ़रान के जो है ना ये पड़े हैं, पीसेस नज़र आ रहे हैं, देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट है। ये है कि 2 दफ़ा आपका अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था, अब 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको मैं अप्लाई करूँगी और 10 मिनट तक अप्लाई करने के बाद इसका स्क्रब करना है फेस पे और फेस धो लूँगी, फिर मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँगी। थोड़ा सा मैं हाथ पे भी आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी कि क्या रिज़ल्ट आता है। जिनकी स्किन ऑयली है और जिनकी स्किन पे एक्नी है तो उनके लिए ये वाला है, वो ये अप्लाई कर सकते हैं, ये ले सकते हैं चारकोल फेस मास्क। हाँ जी, 10 मिनट गुजर गए थे तो मैंने मास्क को स्क्रबिंग करके उतार लिए और फिर उसको ठंडे पानी से धोया है और ये स्किन का रिज़ल्ट है, नज़र आ रहा है आपको, ग्लोइंग भी हो चुकी है, स्मूथ भी हो चुकी है और फेस पे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आप लोग इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।